चलते हैं जहां पर ग्रामीण शहरों खेलों का ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ हो रहा है और इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है जहां पर उत्साह इस वक्त लोगों में है। निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इसे बेहद खास कार्यक्रम के तौर पर देखा जाता है जहां पर जो खिलाड़ी हैं वो भी इससे प्रोत्साहित होते हैं और जमकर इस योजना की तारीफ भी करते हैं। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर जहां पर खास तैयारियां की गई हैं। खिलाड़ियों को भी आप देख पा रहे हैं जो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। SMS स्टेडियम से जयपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर में चोट लगी है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि व्हील चेयर के माध्यम से वो आगे बढ़ते हुए सभा स्थल की ओर जा रहे हैं जहां पर पहुंचने के बाद वे इस समारोह का शुभारंभ करेंगे। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि आज जो उत्साह का माहौल है वो पिछले वर्ष हमने जब ग्रामीण राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किए तो 30 लाख से ऊपर प्रतिभागी रहे थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन बुक ने हमें रिकॉर्ड दर्ज करके वो एक सर्टिफिकेट राजस्थान की जनता को सौंपा था और आज उसी उत्साह का और माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस तरीके से दिल खोलकर खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन दिया गया, जिस तरीके से योजनाएं दी गई, उसी का उत्साह आप आज खेल मैदान पर देखेंगे SMS स्टेडियम के अंदर कि आज राजस्थान भर में लगभग 59 लाख के करीब प्रतिभागी भाग लेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने जो हमारे एथलीट्स हैं उनको जो हौसले की उड़ान के लिए जो पंख दिए हैं आने वाले समय में वो अंतर्राष्ट्रीय रूपी जो आसमान को नापेंगे। एक बार फिर एक रिकॉर्ड बनेगा, निश्चित तौर पर एक रिकॉर्ड, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूं कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है लगभग 59 लाख के करीब हुआ है, 58,51,000 से लगभग ऊपर है, तो बिल्कुल रिकॉर्ड बनेगा। राजस्थान में जो सपना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने देखा निरोग राजस्थान का, उसको साकार करने वाला, प्यार भाईचारा एकता बढ़ाने वाला, लोगों के अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालने वाला ये जो एक जरिया है जो ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी इसको पूरा कर रहे हैं, राजस्थान की जनता इसको पूरा कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस आयोजन के लिए एक माहौल बनाया और अपने हर तरीके से इसको सहयोग किया। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले भी हो चुके हैं, शहरी में पहली मर्तबा हो रहे हैं। दोनों में प्रतिभा होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर खिलाड़ी होता है और वो खिलाड़ी बाहर आना चाहता है, उसको मौका मिलना चाहिए, प्रतिभा बाहर निकल के आ रही है, ये मौका मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मिल रहा है। देखिए, ग्रामीण के साथ साथ इस बार शहरी ओलंपिक भी हो रहा है और 58,50,000 के आसपास, जिसमें 24,50,000 महिला खिलाड़ी, मुझे लगता है कि दुनिया में यह आयोजन एक रिकॉर्ड बनाएगा और आने वाले समय में भारत को खेलों के बड़े बड़े चोटियों पर शिखर पर लेकर जाए। इतने बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उनका भविष्य क्या है? निश्चित रूप से भविष्य सुनिश्चित है। जब नर्सरी नहीं होगी तो बड़ा प्लांटेशन कहां से होगा? ग्रामीण ओलंपिक एक नर्सरी है जहां पर छोटे बच्चे तैयार होंगे। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही समय में शुभारंभ करेंगे समारोह का और खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं श्री अशोक चांदना जी, माननीय खेल मंत्री, आपसे अनुरोध करेंगे। श्री लालचंद कटारिया जी, कृषि और पशुपालन मंत्री, आपको भी ये सूत की माला पहनाकर और ये नन्हा पौधा भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें। अनुरोध श्रीमती कृष्णा पूनिया, अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, आप डॉक्टर महेश जोशी जी को ये पौधा भेंट करें। माननीय जलदाय मंत्री, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। श्री अशोक चांदना जी से पुनः अनुरोध, श्री गोविंद मेघवाल जी को। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल का आज से आगाज होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, कुछ ही समय में उद्घाटन करेंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, वो रजिस्टर्ड भी हुए हैं। रोशन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, खेलों को प्रोत्साहन मिल सके, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके और
देश का नाम रोशन कर सके, यही मकसद इस योजना का और इस समारोह का। क्या तस्वीरें वहां देख पा रहे हैं, कितना उत्साह वहां पर खिलाड़ियों में? देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण शहरी जो ओलंपिक खेल 2023 है उसका आज से आगाज हो चुका है और मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। इस ओलंपिक खेल के अंदर 58 लाख से ज्यादा युवाओं के विभिन्न खेलों के अंदर जो प्रदेश भर के जो युवा हैं वो इस ओलंपिक खेल के माध्यम से खेलों के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देंगे, जो खेलेंगे वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे राजस्थान सरकार का ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है कि उनका स्पष्ट है कि राजस्थान की जो युवा है खेलेंगे तो बढ़ेंगे। लेकर आज ये कह सकते हैं कि भव्य आयोजन किया जा रहा है जयपुर के SMS स्टेडियम के अंदर मौजूद सीएम अशोक गहलोत खुद यहाँ पर मौजूद है, जो खेल मंत्री अशोक चांदना यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा कृषि मंत्री लालचंद कटारिया आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, मंत्री महेश जोशी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा जो जिला परिषद के अध्यक्ष पूनिया सहित तमाम पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा मुख्य सचिव उषा शर्मा यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो पूरे प्रदेश भर के जो युवा हैं करीब 58 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसके अंदर तमाम खेल हैं, कबड्डी हो, टेनिस हो, खो खो हो, रसक फुटबॉल हो, शूटिंग बॉल हो, बास्केटबॉल हो, तमाम ऐसे सैकड़ों ऐसे जो कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स हैं वो इस ओलंपिक के तहत पूरे प्रदेश भर के अंदर खेला जाए। अगर आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर अभिवादन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री यहाँ पर झंडारोहण के लिए यहाँ पर व्हील चेयर के ऊपर बैठकर यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इस जो ओलंपिक जो खेल की शुरुआत कुछ ही क्षणों के बाद में होने वाली, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झंडारोहण कर जो शहरी जो ओलंपिक जो ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेल 2023 है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। आप देखिए युवाओं में किस तरीके से यहाँ पर जोश देखने को मिल सकता है, चारों ओर से कह सकते हैं कि यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। जी बिल्कुल रोशन, युवाओं में उत्साह है क्योंकि आमतौर पर शहरों में तो सुविधाएं मिल जाती है खिलाड़ियों को ताकि वो आगे बढ़ सके, खुद को प्रूव कर सके। ये तस्वीरें हम सीधे दिखा रहे हैं इस वक्त जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में मौजूद हैं झंडारोहण करते हुए यहां पर, और अब आगे के कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ते हुए और यहां पर कई और लोगों को खेल मंत्री से लेकर मंत्रियों को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। रोशन, शहरी खिलाड़ियों को तो सुविधाएं मिल जाती हैं लेकिन जो ग्रामीण खिलाड़ी हैं उनके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि वो आगे बढ़ सके। क्या कह रहे हैं ग्रामीण खिलाड़ी से लेकर? आपने कहा कि शहरों में रहने वाले जो खिलाड़ी हैं युवा वो कहीं ना कहीं जो ओलंपिक जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल होते हैं वहां तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में जो पले बड़े होते हैं जो दूर दराज से इलाके के बिल्कुल रोशन दूर दराज से लोग आज यहाँ पर